हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट वाइकर। और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जो काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये वीडियो किसी बाइक को परचेज करने का या किसी बाइक की कमियां या प्रोज और कॉन्स बताने का बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो में है आपके इंश्योरेंस का, आपकी बाइक का इंश्योरेंस का। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मिस हैपनिंग होती ही रहती है और बहुत बार बड़ी भी हो जाती हैं, बट भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, कभी किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी न्यू बाइक थी, और न्यू बाइक के साथ साथ मतलब भगवान का आशीर्वाद था कि मुझ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आई, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। बट मेरी बाइक बहुत डैमेज हो गई थी, उसका हेडलैम्प, उसका हैंडल, उसका टैंक, सब का सब मुड़ गया था और स्क्रैचेस आ गए थे और बेसिकली डैमेज हो गया था यार। वो काफी बड़ा डैमेज था, मैं भूल नहीं सकता उस डैमेज को दोस्तों। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इंश्योरेंस को लेके। बेसिकली मुझे पता है यार, डेली कौन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डिस्कशन करता है या शोरूम पे जाके डिस्कशन करता है। तो मैं कहानी को साइड में रख के मुद्दे पे आता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आप तुरंत अपने जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी है या आपका इंश्योरेंस एजेंट है, एजेंट को तो इग्नोर कीजिए, बिकॉज एजेंट सब पॉलिसी सेल करने के बाद दिखते भी नहीं है। जैसे वो बोलते नहीं है, अपनी कहावत है कि गधे के सर से सिंह गायब हो जाना, ऐसे एजेंट लोग भाग जाते हैं पॉलिसी बेच के। तो आप डायरेक्ट अपने टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और अपना केस रजिस्टर कराइए, लोकेशन बताइए, पूरा केस समझाइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं शोरूम पे ले जाता हूं, शोरूम वाले अपने आप बात करेंगे, शोरूम वालों ने मुझे बोला था कि सर ये आपका कैशलेस है, आप यहाँ लेके आ जाइए। आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आना यार, आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। शोरूम वाले जब बाइक देते हैं तब वो होते हैं गीदड़, और तब जब वो आप बाइक ले लेते हो तब वो शेर की तरह रिएक्ट करते हैं, बिकॉज वो आपसे ऐसे रिएक्ट करेंगे कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं बात करके। मैं सारे शोरूम वालों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ शोरूम वालों की बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बट आप कभी भी शोरूम वालों पे पूरा विश्वास मत करना। मैं उसके पीछे का आपको रीजन बताता हूँ। मेरी बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैंने शोरूम पे कॉल किया, जो गलती मैंने की थी बता रहा हूं, आप मत करना। मैंने शोरूम को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो उन्होंने बोला सर आप ले आइए बाइक, हम देख लेते हैं। मैं बाइक लेके गया, मेरी बाइक का उन्होंने मुझे 2-3 घंटे मुझे ऐसे घुमाया, और वो क्या कहते हैं, इधर जाओ उधर आओ, मैनेजर नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं, सुपरवाइजर नहीं आए हैं। फाइनली मैं सुबह 9:30 का पहुंचा हुआ, 1 बजे शायद एक बंदा आया, वो उसने बोला हाँ सर बताओ ये वो, उसको मैंने बताया ऐसे से बात, अरे हाँ सर हो जाएगा, बाइक की चाबी मुझे दे दो और बाइक खड़ी कर दो। तो मैंने कहा इंश्योरेंस वाले को, अरे नहीं नहीं सर हम सब करवा देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा टाइम कितना लगेगा, तो उसने मुझे बोला सर पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस से क्लेम होगा, बंदा आएगा चेक करेगा, टाइम तो लगेगा। मैंने कहा फिर भी आप मुझे अप्रोक्स टाइम तो बताइए, 10 डेज 15 डेज 1 वीक, सर आप 10 डेज तो लेके चलो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा प्रोसेस आज, हाँ हाँ सर आज आपका प्रोसेस हो जाएगा, आप जाइए आप आराम से, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मैं चला गया। तो 3 डेज के बाद मैंने कॉल किया कि भैया मेरा इंश्योरेंस का कुछ प्रोसेस शुरू हुआ क्या, आप बताएंगे। सर गाड़ी नंबर क्या है, मैंने गाड़ी नंबर बताया अपना। सर अभी तो नहीं हुआ है, वो एक्चुअली प्रोसेस में चल रहा है। मैंने कहा यार इंश्योरेंस वाले बोलते हैं 24 आवर्स में हम अपना क्या कहते हैं टिकट क्लोज कर देते हैं, और आप बोल रहे हो। मैं गया शोरूम, मैं देखा मेरी बाइक, मैंने बाइक को अंदर खड़ा किया था, मेरी बाइक रोड पे खड़ी थी, और उसके ऊपर 3 दिन के अंदर मुझे लगता है 1 mm की धूल तो जम गई होगी, वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी। वो ये नई बाइक थी मेरी, विद इन 10 डेज मेरा एक्सीडेंट हो गया था, नई बाइक थी मेरी, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने फटाफट इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है आपके पास कोई अपडेट है। उन्होंने बोला सर हमारे पास तो कोई अपडेट ही नहीं है। मैं बड़ा शॉक था कि इन्होंने अब तक 3 डेज चले गए मेरे। उसके बाद मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे, आप यकीन मानिए मुझे मतलब इंस्टेंटली कॉल आया सर्वेयर का, जो सर्वेयर होता है जो आपकी बाइक को या कार को आके चेक करता है कि कितना डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पे वो आपको अमाउंट देते हैं, जो भी बनता है प्लास्टिक रबड़ लोहा, वो बेसिक होता है, वो उस टाइम पे जो भी होता है वो उसने देखने के लिए आता है वो। 3 घंटे में आप मानिए, मैं उसी दिन अपना सर्वेयर बुलाया मैंने पर्सनली, और मैंने सारा काम कराया।
आप उसके बाद देखिए इन शोरूम वालों की हरामखोरी। सब कुछ प्रोसेस में डलवा दिया उसने, बंदे ने जितना मुझे बोला कि सर इतना मिलेगा, मैंने कहा ठीक है आप इतना मुझे दे दीजिए, जो मुझे पे करना है बताइए। आप यकीन मानिए सब कुछ होने के बाद बोल रहे हैं कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है अवेलेबिलिटी नहीं है कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा? सर 2 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं 3 दिन बाद दोबारा कॉल किया कि यार सर पार्ट अवेलेबल नहीं है, टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगा कि यार इतना क्या, बिकॉज बेसिक सा है यार, हैंडल बार, टैंक का वो जो प्लास्टिक कवर होता है वो, और मड हेडलैम्प। तो मैंने क्या किया था, उनके 3-4 हेड ऑफिस थे, मैं नाम नहीं लूंगा शोरूम का बिकॉज वो ठीक नहीं है यार, सबकी मार्केट है, सबकी रेपुटेशन है, उनके 3 से 4 डीलरशिप है। तो मैंने दूसरी डीलरशिप पे फोन किया कि ये पार्ट्स अवेलेबल हैं, उन्होंने बोला यस सर हैं। तो मैं शॉक था यार, मैंने कहा हद है यार, गलत कस्टमर को परेशान करने के रखा हुआ है, 10 दिन पुरानी बाइक है, जब तुम्हें सेल करनी थी तब तुमने तो सर आओ बैठो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, और आज साला जब मैं प्रॉब्लम में तुम हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो आप मानिए मैंने फटाफट मेल डाली सुजुकी के हेड ऑफिस में, आप विश्वास नहीं करेंगे यार, मेल डाली थी मैंने 12:03 पे, 2:56 पे उनके सुपरवाइजर का कॉल आ रखा था मेरे पास, सर आपकी बाइक रेडी है। आप देख रहे हैं कितना बेवकूफ बनाते हैं ये। यही मैं कह रहा हूं कि वो जो एक स्लोगन है ना हमारी गवर्नमेंट का, जागो ग्राहक जागो, अगर कोई भी शोरूम वाला आपकी बात नहीं सुनता है, आप डायरेक्ट कंपनी, बिकॉज ये डीलर हैं यार, ये ऑनर नहीं है कंपनी के, ये डीलर हैं, इनका काम सिर्फ पैसा बनाना है, ये पैसा बना के गोल हो जाते हैं। और दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी से आप जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ आपको डाउट है, आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट क्लियर कीजिए। एजेंट को सिर्फ पॉलिसी बेचने से मतलब है, और शोरूम वाले को सिर्फ बाइक बेचने से मतलब है। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम सबकी है यार, सबके साथ ऊपर नीचे मिसहैपनिंग होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंश्योरेंस के कभी भी कोई पंगा हो डायरेक्ट कंपनी में बात करो, किसी भी बेसिकली शोरूम वाले के साथ तो बिल्कुल बात ही मत करो, वो तो आपको हमेशा मिसगाइड ही करेंगे। वो सोचते हैं कि एक्चुअली मैं उनकी भी गलती नहीं बताऊंगा यार, वर्कलोड इतना होता है उनके पास, वो किस किस की बात सुने, उनका बॉस उनको डंडा दे रहा होता है, बॉस के ऊपर ऊपर से उनके ऑनर का डंडा होता है। तो आप समझ रहे हो ना, उनकी भी गलती नहीं है, बट मैं कहूंगा यार आप मिसगाइड तो मत करो, आप बोल दो कि सर आप डायरेक्ट बात करो, वो जल्दी काम होगा आपका। तो दोस्तों मैं ये वीडियो लंबा ना करते हुए, ये बड़ा नॉलेजेबल वीडियो था, और मैं चाहूंगा ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज इसमें काफी अच्छी नॉलेज है, आप इसके अंदर अपने किसी ना किसी दोस्त का तो भला कर ही देंगे। और दोस्तों चलिए अब ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दी मेरे चैनल को, और मुझको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों शेयर कीजिए, मेरा भला हो जाएगा यार। थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, थिंक बिफोर बाइंग एवरीथिंग, इफ यू पे सिंगल पैनी देन थिंक ट्वाइस, बिकॉज यार पैसा आपका किसी और का नहीं है, जाने के बाद दोबारा नहीं आता। चलो थैंक यू।